नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे इस YouTube चैनल अमितोपीडिया को, जिसमें इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू स्टडी ज्योग्राफी। गाइज, अपना एक सीरीज चल रहा है हाउ टू स्टडी का, जिसमें मैं पूरे डिटेल्स में बता रहा हूँ किस सब्जेक्ट को, जीएस के किस पेपर को कैसे पढ़ना है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक रिलेवेंट हो। साथ ही साथ ये जो है, ये वीडियो ऐसा नहीं कि केवल सिविल सर्विस के लिए है, चाहे आप यूपीएससी के सिविल सर्विस के अलावा सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट दे रहे हो, एसएससी, रेलवे दे रहे हो, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर जनरल स्टडीज के पेपर आते हैं। तो आज हम सभी जानेंगे ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है। तो देखो, ज्योग्राफी में पहले दो सेगमेंट होता है। क्या? पहला होता है अपना ये करेंट जीके, जैसे प्लेस इन न्यूज, उससे रिलेटेड मैचिंग आ जाएगा। कोई मान लो कोई जगह फेमस हो रखा है अभी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा कि इस जगह का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, इस कोई व्यक्ति का नाम किसी जगह से बिलोंग कर रहा है, तो वो आपके लिए प्लेस इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेनली बैंक के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। थियरी सेक्शन का बात करें तो उसमें तीन होता है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। मेनली सिविल सर्विस में यही पूछा जाता है, बैंकिंग में ये करेंट वाला पूछा जाता है, लेकिन अगर आप सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, एसएससी, रेलवे ये सब दे रहे हो तो आपको दोनों सेगमेंट पर नजर डालना होगा, दोनों पर कमांड करना होगा। आपको फिजिकल, इंडियन, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जानना होगा और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो युगांडा बड़ा फेमस हो रखा है, फिलहाल न्यूज में पूरा आ रहा है, तो प्लेस इन न्यूज तो हो गया। युगांडा का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है वो आपको जानना पड़ेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के थ्रू। मान लो रसिया अभी बड़ा हाईलाइट हो रहा है किसी कारण से, रसिया से रिलेटेड कोई मसला बहुत हाईलाइट हो रहा है, तो आपको रसिया के ज्योग्राफी के बारे में जानना होगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं कि रसिया में कौन कौन सी नदी है, कौन कौन सा माउंटेन्स, इस रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इन दोनों को लेते हुए चलना है, ठीक है। कैसे? तो ये तो भाई करंट अफेयर है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से कवर हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है वो जानो। थ्योरी के लिए आपके सामने लिस्ट है। देखो, ऐसा है कि ज्योग्राफी थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है, साइंस टाइप का, सबों के बस का बात नहीं होता है सेल्फ स्टडी के आधार पर ज्योग्राफी को कवर अप कर पाना। तो इसलिए सबसे बेहतर होगा कि आप बेसिक से शुरू करो। और बेसिक क्या है? तो बेसिक है आपका एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है ज्योग्राफी के लिए। आप क्या करो, जिस तरीके से यहाँ पर डिटेलिंग बताया गया उस तरीके से आपको पढ़ना, जैसे यूनिवर्स टॉपिक, टॉपिक वाइज पढ़ना, एनसीईआरटी क्लास वाइज या चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज पढ़ना। जैसे यूनिवर्स टॉपिक कहाँ कहाँ मिलेगा, सबसे पहले आप उसे पढ़ो क्लास 8 के चैप्टर 17 में, साइंस वाला बुक, क्लास 8 का जो साइंस बुक होगा उसमें चैप्टर 17 में। देन आफ्टर ज्योग्राफी, क्लास 6 का जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर 1 देख लो, फिर क्लास 11 का जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर 2 देख लो। इस तरीके से पूरा लिस्ट हमने यहाँ पर डाल रखा है, यूनिवर्स से, अर्थ बेसिक, जियोलॉजी कहाँ कहाँ से मिलेगा, क्लाइमेट कहाँ से मिलेगा, ओशियन डिजास्टर, पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको उसी अनुसार काम करना है। और ये पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। फिर इंडियन ज्योग्राफी के लिए टॉपिक का नाम, क्लास का नाम, चैप्टर का नाम, जैसे इंडिया का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा क्लास 6 के चैप्टर 7 से, क्लास 9 के चैप्टर 1-4 से, क्लास 11 के चैप्टर 1-2 से, है ना, इस तरीके से सारा का सारा। इन सबों के बाद आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो मैं बोलूंगा पेरियार। पेरियार के इंडियन ज्योग्राफी ले लो, उससे बेहतरीन किताब इंडियन ज्योग्राफी को आपको नहीं मिलना है। वो एकदम से एक नोट्स है, पेरियार आप पढ़ लो, आपको नोट्स बनाने की एकदम जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से नोट्स है वो, उसमें हैंडमेड, उसमें पूरा मैपिंग किया हुआ है, हाथ से बनाया हुआ मैपिंग है पूरा, आप इजीली उसे डाइजेस्ट कर पाओगे, समझ पाओगे। इंडियन ज्योग्राफी के लिए सबसे बेहतरीन किताब है पेरियार। देन आफ्टर इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, हाँ, एक आपके पास स्कूल एटलस जरूर से होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेनली ध्यान रखना होगा, जानना होगा कौन कौन सा माउंटेन है, किस माउंटेन से कौन सा पास निकलता है, कौन सी रिवर किस माउंटेन से निकल रही है, किधर को जा रही है, किधर से निकल रही है, बॉर्डर, कॉरिडोर, फिर सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सारे चीज, प्लेस, इंडस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा इंडस्ट्री किस प्लेस में लोकेटेड है, वेदर, क्रॉपिंग पैटर्न यानी एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, सॉइल वाला चैप्टर। हाँ, एग्रीकल्चर के लिए आप क्या करो कि ये एनसीईआरटी क्लास 7 का साइंस देखो पहले, उसमें आप चैप्टर 3 और 9 एग्रीकल्चर के लिए स्टार्ट यहाँ से करो। देन आफ्टर क्लास 8 का ज्योग्राफी का जो बुक है उसमें चैप्टर 4 देखो, क्लास 8 का साइंस का जो बुक है उसमें चैप्टर 1 देखो, इस तरीके से पूरा लिस्ट दिया हुआ है। लास्टली आप पेरियार देखो,
यार ना मिले तो फिर आप एम बर्नवाल देख सकते हो, जीसी लियोन देख सकते हो, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट मैं फिर से बोलूंगा पेरियार ही है। देन आफ्टर एनसीईआरटी से इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर के लिए किस क्लास से के किस सब्जेक्ट से कौन सा चैप्टर उठाना है, यहाँ पर दिया हुआ है पूरा। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का बात आ जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको मेनली क्या देखना है, माउंटेन रेंज, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा माउंटेन रेंज है, उसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी इसके बारे में जानना होगा, फ्रेश वाटर लेक, वाटरफॉल कुछ किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है, कौन सा वाटरफॉल, जस्ट तीन चार का नाम याद रख लो काफ़ी है, कोल्ड हॉट डेजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, लैंडलॉक्ड कंट्री कौन कौन सा है, फिर ग्रासलैंड कौन कौन सा ग्रासलैंड से पंपा पेरियार ये सब जो ग्रासलैंड है इसके बारे में याद रखना होगा, और फेमस बॉर्डर जैसे डूरंड लाइन है ना, ये सब फेमस जो बॉर्डर लाइन है उसे आपको याद रखना होगा कि कौन सा बॉर्डर लाइन किन दो कंट्रीज के बीच में है, कब खींची गई थी, कितनी किलोमीटर की, ये सारा चीज। उसके अलावा कैपिटल मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है, यूरोप या साउथ एशिया की जो कंट्रीज है उसकी कैपिटल, फेमस सिटी उसके निकनेम जहाँ से मेनली कोई नदी निकलती हो तो अधिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर फेमस माउंटेन हेरिटेज साइट वाला शहर हो जाता है वो, जैसे फिर जो स्ट्रेट है जैसे इंग्लिश चैनल है ना, ये सब आपको याद रखना होगा, पाथ स्ट्रेट ये सब के बारे में। उसके अलावा जो करेंट न्यूज में जो जो कंट्री चल रहा है उसके बारे में तो आपको जानना ही होगा, इतना जान लो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, करेंट में न्यूज में कोई कंट्री अगर बहुत अधिक घूम रहा है करंट न्यूज में, उसका पूरा आप ज्योग्राफी अच्छे से तरीके से पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहीं से छाटना शुरू किया जाता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। मान लो चाइना अगर अभी न्यूज में चल रहा है तो चाइना से रिलेटेड ज्योग्राफी आप पढ़ लो, नहीं चल रहा है न्यूज में छोड़ दो। हाँ, ज्योग्राफी के साथ साथ जो उसका समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है इन्वायरमेंट, और अभी आप सबको पता होगा इन्वायरमेंट का काफी जोर हो रखा है, ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इन्वायरमेंट कैसे पढ़ना है उसके लिए यहां पर मैं आपको कुछ बताता हूं। सबसे पहले आप यहां पर देखो इंटरनेशनल, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ट्रीटी हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है, कहां पर हुआ है, उसका थीम क्या था, कौन उसको लीड कर रहे थे, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट किए, इंडिया का उसमें क्या रोल है, ये सब आपको जानना होगा एकदम अच्छे तरीके से। दूसरा नेशनल इंपॉर्टेंस का, नेशनल इंपॉर्टेंस में आपको मेनली जानना होता है, जस्ट ए मिनट, कि पहले तो आप ईयरबुक देख सकते हो, उसके अलावा अगर भारत सरकार के द्वारा कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड नियम कानून व्यवस्था बना दिया गया हो, कोई स्कीम कोई पॉलिसी लाया गया हो, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये देखो इन्वायरमेंट के साथ साथ आपका पॉलिटी भी कवर हो रहा है यहाँ पर, क्या जैसे मान लो कोई स्कीम पास हुआ, वो स्कीम को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया, तो आपको ये जानना होगा पहले कैसे अमेंडमेंट हुआ, कौन सा बिल उस पर मेजोरिटी लगा स्पेशल सिंपल, किस तरीके का अमेंडमेंट था, फिर उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे करके जानना होगा। फिर है वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड अगर कुछ आ जाता है जैसे फ्लोरा से रिलेटेड, फूमा से रिलेटेड, पार्क सेंचुरी इससे रिलेटेड आपको जानना होगा, कौन कौन सा इंडिया में नेशनल पार्क है, कौन कौन सा सेंचुरी है, कहाँ पर कौन कौन से स्पीसीज पाए जाते हैं जो मेजर स्पीसीज हैं या जो लुप्त होने वाले हैं, रेड जोन में आ रखे हैं। दूसरा पोल्यूशन, पोल्यूशन और एनर्जी, इसमें आपको जानना होगा कि अभी क्या रिसर्च चल रहा है, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन पोल्यूशन से रिलेटेड कोई मान लो मैसेज जारी की है, कोई इंफॉर्मेशन जारी की है, कोई डेटा जारी की है, ये सारा चीज। और लास्टली हम लोग देखते हैं थियोरिटिकल टर्म, जैसे थ्योरी और टर्म में क्या आ जाता है, फूड चेन सिस्टम, वेदर है ना, ये सारा चीज आ जाएगा इसमें। फिर इकोलॉजिकल स्टडीज से रिलेटेड कुछ आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, जो भी करंट में चल रहा है, इन्वायरमेंट का करंट से बहुत गहरा संबंध है, इतना जान लो। आप देख लो यहाँ पर जितना भी कुछ मैंने बताया वो सारा का सारा करंट में जो चल रहा है वही। अब ऐसा नहीं कि वाइल्ड लाइफ मतलब इंडिया में जितने वाइल्ड लाइफ पार्क हैं सब आप बैठ कर रट्टा मारना शुरू कर दो, हाँ वक्त है तो मार लो, गलत नहीं है, लेकिन जो न्यूज में है उसे तो डेफिनेटली आपको याद रखना पड़ेगा कि वो न्यूज में क्यों है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस लिए फेमस है, वो वहां पर क्या खास है, ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा आपको इंडिया ईयर बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सरकारी आता है वो उस पर अधिक रिलाई करो तो बेहतर होगा, है ना, इंडिया ईयर बुक ये देख लो। और मैपिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैपिंग में
जैसे कि मान लो सवाल इस तरह से आ गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, आपने क्या किया है अपने प्रिपरेशन के दौरान मैपिंग में, इस तरह से आप मैप डाउनलोड कर लिए हो, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, हो सकता है आप नाम भूल जाओ, लेकिन बार बार आप मैप देख रहे हो, मैप डाउनलोड करके रखे हो या उसको प्रिंट करा के रखे हो, बार बार देख रहे हो, आपको याद हो जाएगा हो काजीरंगा इस स्टेट में, क्यों, देखने की वजह से। तो इस तरह से मैपिंग का सहारा जरूर से लो, मैप आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आपसे पूछ दिया जा सकता है कि ना काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में है और वो किस स्टेट के बाउंड्री को टच भी करती है, तो मैपिंग से उतना आप याद थोड़ी ना करोगे, मैपिंग आपके माइंड में रहेगा, आप तुरंत जवाब दोगे फटाफट। तो इस तरीके से आप पूरा ज्योग्राफी को तैयार कर सकते हो इन्वायरमेंट के साथ, जो कि बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इस पूरे वीडियो का पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम में, तो हमारे टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा और क्या क्या देख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर थोड़ा बेसिक मैंने डाल दिया, एनआरएस का बुक आप डाउनलोड कर लो, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त किताब है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसीईआरटी का मेनली आप क्लास 11 का इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ सकते हो केमिस्ट्री वाले बुक से। इंडिया ईयर बुक द हिंदू आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है एटलीस्ट 1 ईयर, और उसमें से इन्वायरमेंट का जो भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी मसला मिले, जिस सब्जेक्ट से जो भी मसला मिले, उसका एक शॉर्ट नोट सब बना करके उस सब्जेक्ट के फाइल के साथ लगा सकते हो, बहुत हेल्प करेगा। देन आफ्टर लुसेंट जी के वहां से पार्क सेंचुरी ये सब याद करने के लिए, और स्कूल एटलस ऑक्सफोर्ड का आता देख सकते हो। तो ये था टोटल गाइज कि कैसे आपको पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सारा चीज। उम्मीद है आप सबको बेहतर समझ में आया होगा, और इस पूरे वीडियो का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में डाल देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर लो, वो विद इन 24 आवर ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। और मेरे सारे सोशल मीडिया का लिंक ये रहा आपके सामने, जैसा कि आप सामने देख रहे हो, अमितोपीडिया के नाम से हर जगह हम लोग मिल जाएंगे आपको, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो गाइज इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक फीडबैक जरूर से कीजिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करो, बहुत कुछ इसमें आने वाला है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।